कौन सीबीआई ऑफिसर है जिसे महासिंह गढ़वाल नहीं जानता? तो सर आपने हमें झांसा दे ही दिया है? आप भी पुलिस वाले हैं, मैं भी पुलिस वाला हूं। हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह जानते हैं। महासिंह, ना हम कभी कमजोर थे ना कमजोर हैं। बाकी इस फाइल में शाह नवाज खान ने लिखा है कि मौत बड़ी पुरसरार और पोशीदा हालात में हुई थी। वो शाहनवाज खान का ख्याल था, मेरा नहीं। इस केस को खत्म करने के लिए तुमने कितने रुपए लिए? आपका सवाल बेबुनियाद है। सबूत क्या है आपके पास? आई रिपीट, सबूत क्या है? सबूत? आग से मांगते हो कि वो जलाती कैसे है, आंधी से मांगते हो कि वो उड़ाती कैसे है, और नदी से मांगते हो वो डबोती कैसे है। मिस्टर ऑफिसर, इस यूनिफॉर्म पर आग आंधी पानी का असर नहीं होता। इसे पहनकर तो आदमी शेर बन जाता है। महासिंह, शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका, और बहुत ही जल्द हम तुम्हारी ये शेर की खाल उतरवा लेंगे। जान जाओगे कि हुक्म क्या होता है और फर्ज क्या होता है। हुक्म और फर्ज में हमेशा जंग होती रही है। याद रहे महासिंह, इस मुल्क पर जहां बादशाहों ने हुकूमत की है वहां गुलामों ने भी की है, जहां बहादुरों ने हुकूमत की है वहां भगड़ों ने भी की है, जहां शरीफों ने की है वहां चोर और लुटेरों ने भी की है। मैंने इतिहास पढ़ा है। सो तो तोते भी पढ़ लेते हैं, शायद तुम अंजाम पढ़ना भूल गए हो। लेकिन ये याद रहे कि इंसाफ के जिन सौदागरों के भरम पर तुम फर्ज का सौदा कर रहे हो, उनकी गर्दनें भी हमारे हाथों से दूर नहीं। अब तुम जा सकते हो। हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले, बातें वाले तो जनाब काम किधर करते हैं। वो जो देखे ही नहीं तूफान उठाते सागर, वो क्या खाक समंदर में सफर करते हैं। सर, ये कंगन मेरी बहन ने मुझे दिया था। हाँ तो फिर क्या हुआ? 4-6 महीने ठीक ही गुजरे। करुणा कुछ ज्यादा ही दिन मैके में रुक गई। मैं पूछता तो टाल जाती थी। एक दिन अरुण के साथ शर्मा भी आया। मेरा माथा ठनका क्योंकि शर्मा कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। जाते समय करुणा ने मेरे चरण छुए और लड्डू हैं बेसन के जो कि जीजा जी को बेहद पसंद है। बेटी करुणा, तुमने अपने पिताजी को बता दिया ना जो मैंने तुम्हें कहा था? हाँ पिताजी, अरुण का इरादा है कि दिल्ली में फ्लैट और मकान बनाकर बेचे। कहते हैं बहुत फायदा है इस धंधे में। भगवान कामयाब करे बेटा। बैंक से कर्ज ले रहे हैं, बैंक वालों को गारंटी चाहिए और वो भी दिल्ली की। वो जो हमारी जमीन पड़ी है दिल्ली में उसकी गारंटी देना चाहते हैं। शर्मा जी, उषा की शादी के लिए मैं एक टांग पर ठहरा हुआ हूँ। अच्छा बर मिल जाने पर वही जमीन बेचकर शादी करना होगा। आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, कोई ना कोई आपकी मदद कर ही देगा। देखिए रामस्वरूप जी, ना ही तो हमने आपसे दहेज लिया था और ना ही दहेज मांगते हैं। हम आपसे कर्जा भी नहीं मांग रहे, बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि कागजात घर में पड़े रहने की बजाय बैंक में रहे। आप उषा का रिश्ता पक्का कीजिए और बताइए। ये मेरा वादा रहा कि आपकी जमीन के कागजात लौटाने के बाद ही मैं पानी पीऊंगा। शर्मा जी, आप मेरी नीयत पर चक मत कीजिए, मेरी मजबूरी का ख्याल कीजिए। तो फिर बिठाए रखिए अपनी बेटी को अपने घर। चलो बेटे। शर्मा जी, ये क्या कह दिया आपने जोश में? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। पिताजी, आप इनको कागजात दे दीजिए। आप मेरी शादी की चिंता क्यों करते हैं? ये लीजिए कागजात, पर भगवान के लिए
मेरी बहन को दुख मत दीजिए। और फिर 2 साल बाद उषा की शादी ठहराई गई तो मैंने शर्मा को कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। एक दिन मैं खुद उसके घर चला गया। क्यों आए हो? शर्मा जी, आप तो जानते हैं मुझे पैसों की सख्त जरूरत आन पड़ी है। उषा की शादी इस महीने न हुई तो वो लोग संबंध तोड़ देंगे। संबंध तो मैं भी तोड़ सकता हूँ अगर तुम इस तरह मेरा दिमाग चाटते रहोगे। फिल वक्त में तुम्हें जमीन के कागजात लौटा नहीं सकता। इसलिए कि तुमने मेरी जमीन बेच डाली है। किसने कहा तुमसे? मैंने अपनी आंखों से जाकर देखा है। इसीलिए तुम्हारी आंखें लाल हो रही है। खैर, मैं तो बेईमान आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हें 15,000 दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कागजात के मुताबिक उस जमीन की कीमत 15,000 थी। 15,000 में तो पुरखों ने खरीद रखी थी। उल्लू बना रहे हो क्या मुझे? आज के कलयुग में जमीन की कीमत आसमान को छू रही है। सुना वो जमीन तुमने 15,00,000 में बेच डाली है? तो समझ लो कि वो जमीन तुमने दहेज में दे डाली। लड़कियां जानकर इस खुशी में मत रहना कि मुफ्त में शादियां हो जाएगी। वायदा फरामोश, धोखेबाज, भेड़िया कहीं का। पिताजी, पिताजी, आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। बेवकूफ बुड्ढे, अपनी बेवकूफी पर होने के बजाय अकलमंदों को गाली देता है। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे इस नर्क से ले चलिए। करुणा, करुणा, मैं नहीं आऊंगी। निकल जाओ यहाँ से। आइंदा मेरे घर के आसपास नजर आए तो टांगे तोड़ दूंगा। धक्के मार के बाहर निकाल दो इस बुड्ढे को। आपने सिर्फ कागजात ही दिए थे या बैंक जाकर दस्तखत भी किए थे? उसने सफेद कागज पर मेरे दस्तखत लिए थे। इस फाइल में लिखा है कि करुणा ने खुदकशी की कोशिश पहले भी की थी, क्या ये सच है? ये सच है। सर, सच्चाई क्या है मैं बताती हूँ। हाँ, बताओ बताओ। दीदी को डॉक्टर टंडन के नर्सिंग होम में रखा गया था, मगर उन लोगों ने हमें बताया तक नहीं। वो तो गाँव वालों से हमें पता चला तो हम फौरन वहाँ पहुँचे। दीदी, दीदी आप कैसी हो? बेटी, भगवान आत्महत्या करने वालों की सूरत भी देखना गवारा नहीं करते। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं क्या करती पिताजी? मैं ना आपको खत लिख सकती हूँ, ना आपसे मिल सकती हूँ। मुझ पर पहरे बिठा दिए गए हैं, कोई सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करता। अरुण तो ठीक है ना? कहो, कहो ना बेटी। वो शराब पीने लग गए हैं, रात देर गए घर आते हैं, और कभी कभी किसी लड़की को मेरे कमरे में लाते हैं और मेरे सामने। बेटी, मैं ही गुनहगार हूं, मगर मैं तुझे अपने जीते जी मरते नहीं देख सकता। बेटी, जैसे सुख देर पा नहीं होते, दुख भी हमेशा नहीं रहते। तू वादा कर, वादा कर, ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी। वादा कर बेटी। मैं अपने दुख खुद झेलूंगी पिताजी। इससे जाहिर होता है कि करुणा में मरने की तमन्ना पैदा हो गई थी। बर्दाश्त की ताकत कम हो जाती है तो दरख्त उखड़ जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं। आप क्यों नहीं मानते कि करुणा ने खुदकशी की होगी? मेरी बेटी ने मुझसे वादा किया था कि वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगी। औरत तो नर्म मट्टी की बनी होती है, कभी भी टूट सकती है। इस उम्र में किसी पर इल्जाम लगाने को मन नहीं करता, पर इतना जरूर कहता हूं कि दिल की आवाज दिल से सुनी जाती। आपके बारे में यह कहा जाता है कि आज तक कोई मुजरिम आपके हाथों से बच नहीं सका। मैं आपका फैसला खुशी से स्वीकार करूंगा। अगर करुणा की हत्या हुई है तो हम मुजरिम को पाताल से खींच निकालेंगे। ये
जगमोहन आजाद का वादा है। आपने लिखा कि करुणा के पैरों पर कुछ चोट नहीं थी? जो मैंने देखा था वही लिखा था। डॉक्टर जब कोई छलांग लगाता है तो पहले पैर ही उसके जमीन पर पड़ते हैं। जरूरी नहीं। तो फिर उसके सर के पिछले हिस्से में चोट आनी चाहिए? ये भी जरूरी नहीं मिस्टर ऑफिसर। आत्महत्या करने वाला जज्बाती दीवानगी का शिकार होता है, वो बेतहाशा अपने आप को गिरा देता है। करुणा की मौत रीढ़ की हड्डी टूटने से हुई है। डॉक्टर साहिबा को तस्वीर दिखाओ। शायद आसपास का खून लग गया हो। माथे पर जो खून था वो जम चुका था। हो सकता है। और आसपास जो खून था वो गीला था। हो सकता है। देयर यू आर डॉक्टर अलका। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर जिंदा इंसान को चोट आए तो उसका निकला हुआ खून जम जाता है, और अगर मुर्दे को चोट आए तो उसका खून गीला रहता है। इससे ये साबित होता है कि करुणा ने ऊपर से छलांग नहीं लगाई बल्कि उसके मुर्दा शरीर को ऊपर से फेंका गया। ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या थी। ये आपकी ओपिनियन है मिस्टर ऑफिसर। मेरी ओपिनियन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हुई है। अगर पुलिस को शक था तो हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल भेजकर दोबारा पोस्टमार्टम करा लेती, बल्कि लाश वारिसों के हवाले ना करती। फेलियर तो पुलिस डिपार्टमेंट की है, आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? इसलिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने नहीं लिखी, आपसे लिखवाई गई है। माफ कीजिए, मुझे आपके इल्जाम पर एतराज है। आप अपना एतराज अपने पास रखिए डॉक्टर साहिबा, आपकी रिपोर्ट की धज्जियां उड़ेंगी। हम ये साबित करेंगे कि अगर आपकी रिपोर्ट गलत नहीं थी तो मुकम्मल भी नहीं थी। देखिए वो खून लग रहा है। विजय, तुम उस खून की टेस्ट रिपोर्ट किसी प्राइवेट लैब से करवाओ और फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसका ब्लड ग्रुप निकलवाओ ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले झूठ ना बोल सकें। यस सर। घड़ी तो रुकी हुई है ठीक 8 बजे। 9 अक्टूबर, इसका मतलब है इस कमरे में 9 अक्टूबर की रात को 8 बजे हाथापाई हुई है। डैड हेलो, अंकल हेलो, अरुण हाय अनूप। अरे बेटे अनूप, कश्मीर से कब आए? बस अभी 1 घंटा पहले। अरे वाह, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक, बिल्कुल ठीक। अंकल ये शॉल आपके लिए, पसंद है ना? और अरुण ये स्वेटर तुम्हारे लिए, अच्छा है ना? अंकल बर्फ आजकल श्रीनगर में बहुत पड़ रही है, डल लेक का पानी जम कर बर्फ हो गया है, लोग साइकिलें चला रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। आप लोग भी आइए कश्मीर, बड़ा मजा आएगा। ओहो तिवारी, तुम्हारा लड़का तो बेवकूफ का बेवकूफ ही रहा, ओल जोल बके जा रहा है, समझाओ इसे। बेटे तू घर जा। मिस्टर तिवारी ये कौन है? ये मेरा लड़का अनूप है। नमस्ते। श्रीनगर एयरपोर्ट पे काम करता है, आज ही 1 महीने की छुट्टी पे घर आया है। अरुण कल सुबह तुम हमें गेस्ट हाउस में मिलो। यस सर। जो बयान तुमने शाहनवाज खान को दिया वो झूठा है, इसलिए कि तुम ये नहीं जानते कि किसी को आत्महत्या पर मजबूर करना इतना ही संगीन जुर्म है जितना कि किसी की हत्या करना। सर आप किसी की भी कसम ले लीजिए, हम एक दूसरे से बहुत खुश थे, उसे दुख था तो सिर्फ उसकी खाली गोद का, लेकिन मैंने उसे कभी बच्चे की तमन्ना नहीं की थी। क्या तुमने कभी किसी अच्छे डॉक्टर को उसे दिखाया? नहीं। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर टंडन ने यह कहा था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। तुमने डॉक्टर टंडन को खरीदा था और वो भी
राम स्वरूप के रुपए से जो तुमने गबन किए थे। याद करो वो रात, 9 अक्टूबर की रात, जब तुमने करुणा से झगड़ा किया, उसे मारा पीटा, उसे खत्म करने की धमकी दी और वो बेचारी बेतहाशा इधर से उधर भागती रही और फिर तुमने उसे एक ऊंचाई से धकेल दिया। सर, उसकी मौत 9 बजे वाकई हुई थी और मैं 7:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। नहीं, तुम 8 बजे उसके मरने के बाद घर से भागे थे। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, प्लीज। तुम घड़ी तो बांधते नहीं, तुम्हारे कहे वक्त पर कैसे यकीन? आजमा कर देख लीजिए सर, वक्त के बारे में अपने दोस्तों से कई शर्तें जीती हैं। तो फौरन बताओ अभी क्या वक्त है? इस वक्त 3:05 बाकी होंगे। इस फाइल में तुम्हारा वो बयान है जो तुमने शाहनवाज खान को दिया था, इसे देख कर बताओ कि ये दस्तखत तुम्हारे हैं या नहीं। हम अभी लौटते हैं। जी। सर, इस फाइल में दस्तखत मेरे हैं। अच्छा, तुम अब जा सकते हो। जी। सर, लगता है बड़ा चालाक है। चालाक तो है, मगर जानता नहीं कि चालाकी करने वाला खुद ही अपनी चालाकी का शिकार हो जाता है। सर, दरवाजे पर जो खून था उसका ग्रुप बी है और करुणा के खून का ग्रुप भी बी ही था। हाँ, इसे ही तो कहते हैं कि खून अपना निशान छोड़ जाता है। तुम दुलारी को इसकी नजरों से दूरी रखो। जैसे ही सीबीआई ऑफिसर की बला टल जाएगी, मैं महासिंह का भी बोरिया बिस्तर गोल कर दूंगा। तुम रुपयों का इंतजाम कर लो। वाह वाह वाह, अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। सर, सर ये छोटा सा नजराना है, इसे कबूल कर लीजिए। श्री तिवारी, बहुत लोग इस रुपए के पीछे भागते हैं, लेकिन चंद ऐसे होते हैं जिनके पीछे रुपया भागता है। उन्हीं चंद लोगों में से हम एक हैं। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें हम आज तो नहीं देंगे, इसलिए कि तुमने हमारा एक शक बहुत मजबूत कर दिया है। इंतजार करो उस दिन का जिस दिन तुम्हारे हाथों में पैसे की बजाय हथकड़ियां होंगी। लल्लू लाल जी, साहब जी, फरमाइए। इन साहिबान को जरा बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। जरूर दिखाएगा जी। और अगर ये कभी गेस्ट हाउस के आसपास नजर आए तो इनके कपड़े उतार लेना। जरूर उतार लेगा जी। चलिए जी, चलिए।